गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर 14 घंटे तक कार्रवाई करने के बाद ईडी की टीम देर शाम बाहर निकली। ईडी की गाड़ियों के साथ ही सांसद अफजाल अंसारी और विधायक मन्नू अंसारी भी बाहर निकले और समर्थकों से मुलाकात करने के साथ मीडिया से बातचीत की। अफजाल ने ईडी की कार्रवाई को भाजपा सरकार के बदले की भावना और राजनीतिक षड्यंत्र बताया। अंसारी परिवार का मनोबल गिराने के लिए आर्थिक और सामाजिक चोट दे रही है। इन कार्रवाइयों से मनोबल नहीं टूटने वाला है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि ईडी के बहाने विपक्षी दलों के नेताओं को डराकर सरकार अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहती है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कोलकाता समेत कई जगह इसके उदाहरण सामने हैं। इलाहाबाद में पूछताछ के बाद ईडी संतुष्ट थी, लेकिन भाजपा के आकाओं को रास नहीं आया और फिर घरों पर तलाशी करा दी। गुरुवार को सुबह से लेकर शाम तक ईडी ने पूरा घर खंगाला, सब कुछ जांचा, लेकिन एक खामी नहीं पकड़ सके। अधिकारियों ने जो दस्तावेज मांगा हमने उपलब्ध करा दिया। सांसद ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की गाजीपुर में हुई अप्रत्याशित हार और 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर से सूपड़ा साफ होने के बाद सरकार बौखला गई है। जनता के फैसले को भाजपा की सरकार पचा नहीं पा रही है और नाकामी छिपाने के लिए ईडी का डर दिखा रही है। अफजाल ने कहा कि मैं गलत नहीं हूं और कोई जबरन गलत साबित नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और 2024 के चुनाव से पहले भाजपा विपक्षी दलों के खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके झूठे मुकदमों में फंसा रही है, लेकिन गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में सफाया होगा।